तो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन नाइन यूविकास वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, तो यस हम जा रहे हैं वृंदावन। एंड अभी रात के बज रहे हैं 9, हम खड़े हैं स्टेशन के बाहर। हमारी ट्रेन आने को अभी 30 मिनट्स पड़े हैं, तो हम वैसे ही यहाँ पे चिल कर रहे थे। तो मैंने सोचा यहीं से मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड अब आपको सारा, मतलब जैसे हम जाएंगे, जो जो वहाँ पे नीड्स होंगी एंड जो जैसे भी हम घूमेंगे, मैं आपको सब दिखाऊंगी वहाँ पर। एंड क्या दर्शन, हाँ, एंड आपको दर्शन भी कराऊंगी वहाँ पे कान्हा जी के। और चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड मैं अंदर जाके दिखा देती हूँ, अभी सब वेट कर रहे हैं। मैं बाहर आई थी शूट करने के लिए, तो आपको दिखा देती हूँ। एंड राधे राधे। तो यस, मैं और कन्हा जी थोड़ा गए थे बाहर को, एंड अब मैं दिखा देती हूँ, वहाँ सब बैठे हैं। तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ, सब वेटिंग कर रहे हैं। वेट करना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे तो लगता है, आप सबको लगता है कि नहीं, मुझे बता रहा। तो यहाँ बैठे हैं सब और हम जा रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली जा रही है एंड कन्हा जी और की फैमिली जा रही है। तो मम्मा पापा जीजू कन्हा दीदी उनकी मोम भी जा रहे हैं, ये बैठे। तो अभी हम कर रहे हैं वेट ट्रेन आने की, तो मिलते हैं जल्दी ट्रेन के अंदर। हमारी ट्रेन आ चुकी है एंड यहाँ पे जितना भी क्राउड है सारा वृंदावन का ही है, तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। एंड वैसे भी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो वहाँ बहुत रश होगा। सब बैठ चुके हैं एंड ट्रेन भी चल चुकी है, बट एक दिक्कत हो गई है कि हम ऊपर वाली सीट्स भी हैं सारी, बट सीट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी तो हम नीचे बैठे हैं। मैं तो चढ़ जाऊँगी ऊपर, मम्मी को दिक्कत है ऊपर चढ़ने में। एंड हमारे साथ कान्हा जी भी जा रहे हैं, ये कान्हा जी का फर्स्ट सफ़र होएगा, फर्स्ट ट्रैवलिंग की वह जा रही है एंड जा भी अपने घर ही रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए, कान्हा जी के लिए, हम सबके लिए। अंत तक इस व्लॉग में बने रहना, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जन्माष्टमी का माहौल होएगा, तो वहाँ पे सब कैसा माहौल होएगा, कैसा होएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। गाइस, हम पहुँच चुके हैं मथुरा एंड रात का हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, मतलब हम सो के निकले सारे रात, अब थोड़ी नींद आने लगी थी तो हम पहुँच चुके। अब देखो हम कहाँ जाते हैं, मतलब हमारी सारी रात सो के निकली एंड अब थोड़ी अच्छी वाली नींद जाके आने वाली थी, बट साथ में ही मथुरा आ गया। बट चलो तो कोई बात नहीं, अब हम सबसे पहले जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे, मैं आपको साथ के साथ अपडेट देती रहूँगी। हमें होटल मिल गया है काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि यहाँ जन्माष्टमी आने वाली है, कोई भी होटल खाली ही नहीं था। तो हमें अब जो मिला है वो है गुरु कृपा गेस्ट हाउस, एंड अब हमारा रूम रेडी हो रहा है, हम यहाँ बैठ के सब वेट कर रहे हैं रूम के रेडी होने का। और जैसे जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो यहाँ पे रूम मिलने बहुत मुश्किल हो गया है। हमें भैया ने कहा, पहले भैया ने भी बताया कि अगर आप मथुरा में आते हो जन्माष्टमी वाले दिन या जन्माष्टमी के एक दो दिन पहले, तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं, इसलिए हमें शायद आज दिक्कत हो। फाइनली हमें रूम मिल चुका है, हम रेडी हो चुका है, तो रेडी होने के बाद हम निकल गए थे अपने होटल से। एंड अब हम जा रहे हैं कान्हा जी की जहाँ पे जन्म हुआ था उनका जन्मभूमि पर, बट उससे पहले हम पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे। अभी देखो, अभी शायद हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, तो चलते हैं खाते हैं कुछ। तो जब भी आप सब मथुरा आओ, तो यहाँ पे एक बड़ी जरूर विजिट करना, ये बहुत टेस्टी, यहाँ की पूरी कचौड़ी जो भी है सब कुछ बहुत टेस्टी है। एंड ये पूरी मार्केट है, आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट खाने पीने का भी है, ये देखो सामने डोसा वाला भी है।
दुकान से भी बाजार। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से किया है ब्रिजवासी पेड़ा है, वही यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ की ना मतलब बहुत ही अम्मी है, हमने पूरी मंगवाई थी एंड पूरी और कचौड़ी का थोड़ा मतलब ना मिक्स सा था, बहुत टेस्टी था जो भी था। हाँ अब हमने लस्सी मंगवाई है, अब हम मीठी मीठी लस्सी पियेंगे। यहाँ की लस्सी भी मैंने सुना बहुत स्वाद होते हैं। बहुत ज्यादा रश था इसलिए हम वहाँ नहीं गए, अब हम जा रहे हैं गोकुल, तो उसके लिए हमने किया है एक एंड। अगर आप कभी भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ऑटो वाले ना बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो आप जितना दे सकते हो तो ना आप उसी पे बोलो कि इतने ही देने हैं, फिर उनको आप वहीं पे मांग सकते हैं। वैसे ही हर शहरों में होता है। तो उसके बाद हमने फिर सोचा कि जन्मभूमि तो हमारे होटल के पास ही है, तो हम रात को भी जा सकते हैं वहाँ पे, हम सारा दिन यहीं पे हैं, इसलिए हम वहाँ रात को चल जाएंगे एंड अभी हम जा रहे हैं गोकुल। मैं वहाँ जाके फिर आपको दिखाती हूँ आगे। हमारे कान्हा जी भी इंजॉय करते जा रहे हैं गोकुल। हम पहुंच चुके हैं गोकुल एंड ये गोकुल की गलियां है, अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा और। गली गली में फूल है राधा माता फूल और सिद्ध पूजा जी का, यहाँ प्याज अंडा लेकिन पूरी जीते खुद शाकाहारी दूर मुसलमान का घनी हो, यहाँ राधे श्याम मिलता है अल्लाह बोलो वंशी वाले जी आओ भाई। बताया कि अब जो ये हम गली में जाने लगे हैं, ये माखन चोर वाली गली है, मतलब कान्हा जी माखन चुरा के इस गली से भागा करते थे। हम गोकुल धाम में हैं और मंदिर में होके आए हैं, जहाँ पे नंदलाल बाबा की फैमिली रही थी, वहाँ पे नंद महल कहते हैं उसको कहते हैं, और वहाँ पे कोई चीज भी देखी। अब हम यहाँ पे वापस जा रहे हैं एक अगला मंदिर देखने, जहाँ पे किशन जी ने रेख खाई थी, जहाँ पे उन्होंने रेख खाई थी, अब हम वो वाला मंदिर देखने जा रहे हैं। पहली बारी देखी है। यहाँ 12 से 4 जो है बंद रहता है, यहाँ पे योगी भी आने वाला है आज एंड
इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम है। तो हम नहीं जा पाए थे एंड उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए थे क्योंकि मेरा पेपर था एंड मुझे पेपर देना पड़ा। अभी मैं 2 घंटे के बाद पेपर देने के बाद फ्री होके दोबारा शूट कर रही हूँ। तो अब हम दोबारा कहीं जाने लगे हैं, मतलब कॉल आ रही है कि हो गया पेपर, चलो तैयार हो जाओ अब चलते हैं। तो मतलब इतना ही बोला अभी कि चलते हैं, बट अभी ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं अब हम कहाँ जाएंगे। अभी मैं थोड़े हेयर वगैरह सेट कर लूँ, देन चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वृंदावन। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मुझे कॉल आई है कि चलो तैयार हो जाओ, तो मैं नीचे आई। फिर मैं काफ़ी टाइम लग गया, बट अब होप्स हो कि वहाँ पे मंदिर वगैरह खुले हों, बनना हुए हों, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। ट्रैफिक जाम लग गया जिसकी वजह से हमारा 15-20 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे का हो गया है। यहाँ पे कुछ ऐसी बसें चलती हैं जो मतलब कि मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से मथुरा ही जाती हैं। इतने सारे ट्रैफिक के बाद अब हम पहुँच चुके हैं निधिवन। अब हम मैं आपको दिखाती हूँ निधिवन कैसा है। मैं खुद पहली बार देख रही हूँ, मैं पहले आई थी बट मैंने ये नहीं देखा। तो इन्होंने यहाँ पे ये सारा ऐसे बंद कर रखा है, हम अंदर जाके तो नहीं देख सकते। कहते हैं कि यहाँ पे आज भी ये पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं रात को। मुझे तो बंदरों का डर लग रहा है, वो नहीं ना खींच के ले जाए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੂਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਰਾਤੀ ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ वन से आ गए हैं एंड अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ। यार चल के बस हो गया, बट अभी तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कितनी दूर है। और मैं इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे ना एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, तो डर लगता है कि बंदर कहीं फोन ही ना खींच के ले जाए। इसलिए जहाँ बंदर दिखता है मैं बंद कर देती हूँ, मैं अंदर डाल लेती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पा रही। एंड आप देख सकते हो हमारे कान्हा जी भी कितनी खुश लग रहे हैं। इधर कान्हा जी आराम से अपनी घूमी घूमी कर रहे हैं। आप यहाँ का क्राउड देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आप देख सकते हो मंदिर के वे में यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आती हैं। बिहारी मंदिर के बाहर एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रश है, पता नहीं अंदर क्या हाल होगा। हालत देख सकते हो, ये हालत
है, अंदर बहुत ही ज्यादा क्राउड था। एंड मैं तो सबसे आगे चली गई पापा को लेके कि नहीं मैंने तो आगे से ही दर्शन करना है। एंड मैंने सबसे आगे करके दर्शन किए, इस बात की सेटिस्फेक्शन खुशी भी है। बट रश मतलब अगर आते हो तो ठीक है आओ, बट ऐसे दिनों में ना आओ जहाँ पे बहुत रश हो। बाकी मैं तो दो बार आई हूँ, दोनों बार इतनी रश मिला। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आते भी हो तो आप सर्दियों में आओ, क्योंकि गर्मियों में तो आपका हाल बेकार ही होएगा। बाकी ये जो उन्होंने ये लगाया चंदन का, ये बहुत ठंडा ठंडा है, मुझे मत्थे को ना ठंडक महसूस हो रही है मेरे। कौन है वो? पता नहीं कौन है। तुम पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो किधर। तो यहाँ पे हमें दोबारा से ट्रैफिक मिल गया, हम काफी पीछे उतर गए हैं। अब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर 15 मिनट में हम पहुँच गए एंड हमें एंट्री दे दी फिर तो हो जाएंगे दर्शन, बट अगर नहीं पहुँच पाए दैन औखा है काम। तो देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो जैसे हमारे साथ होना होता है, पोपट मंदिर हो गया है बंद, अब हम फिर नहीं जा सकते इसके अंदर, बट चलो कोई नहीं, अब हम देखते हैं और कहाँ जा रहे हैं। कर लाना पड़ेगा यहाँ तो। अब कौन टेम्पल अंदर से तो हम देख नहीं पाए, बट बाहर से ही देख लो, काफी अच्छा है। पीनी केड़ी पीनी है? लेमन वाले या बट्टे वाले? अब हम पियेंगे लेमन जूस। वहाँ पे इतना क्राउड था जैसे मैंने आप सबको बताया, वहाँ ऐसा ही हाल था। तो अंदर से तो हम इस्कॉन टेम्पल देख नहीं पाए, बट बाहर से एक मैंने क्लिप ऐड कर दिया, बहुत बहुत सुंदर है मंदिर बाहर से। तो बाकी अंदर से कल देखेंगे वहाँ जाके, कल दोबारा आएंगे हम यहाँ पे और दोबारा दर्शन करने आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। कुछ भी नहीं, अब पता नहीं कैसे जाएंगे मथुरा, इतना चल चल के आ गया, मैं तो चल चल के पागल हो गई यहाँ पे, बट यहाँ का रश खत्म होने को ही नहीं आ रहा। फाइनली 2 घंटे के सफर के बाद हम पहुँच चुके हैं अपने होटल वापस। 15-20 मिनट का रास्ता था और हमें 2 घंटे लग गए, जस्ट बिकॉज वहाँ पे इतना गंदा जाम लगा हुआ था। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, सभी को छुट्टियाँ हुई हैं तो सभी मुझे लगता है वृंदावन ही घूमने आ गए हैं। तो वृंदावन में बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा ही पब्लिक आई हुई थी वहाँ पे, इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। बट एट लास्ट हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में और रात के 12:30 बज रहे हैं, अब पहुँच गया जाके। अब हम करेंगे थोड़ी रेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग यहाँ तक। आगे मैं कंटिन्यू करूंगी कल, बट ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल का व्लॉग दूसरा व्लॉग होएगा। सो दिस इज़ माय फर्स्ट डे इन मथुरा, कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नवे हो सब्सक्राइब भी कर देना, डू लाइक कमेंट एंड शेयर टू। जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।